हाँ तो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान, उप विषय भौत विज्ञान, पाठ 8 गति, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में मोशन, ये वीडियो का भाग 2 है इस पाठ का। पहले पाठ में मैं आपको जो मुख्य मुख्य बातें थी बता चुका था पाठ परिचय के अंतर्गत। अब हमारा जो टॉपिक जुड़ने वाला है वो मापन की पद्धतियाँ, मापन पढ़ा चुका हूँ मैं, मापन की पद्धतियाँ रह गई थी, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, और इनमें दूरी, विस्थापन और चाल वेग में अंतर, और इससे अगले टॉपिक भी कुछ हम बताएंगे। देखिए, मापन की पद्धतियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए जो पद्धति या सिस्टम चलाए गए हैं उन पद्धति को ही मापन की पद्धतियाँ कहते हैं। हर देश की पद्धति अपनी अलग अलग हो सकती है, किंतु मुख्य रूप से यहाँ पर हम जो पद्धति प्रचलित हैं हम उनकी बात करेंगे। मुख्य रूप से प्रचलित पद्धतियाँ 3 हैं, MKS, CGS, FPS। MKS को बच्चों हम यहाँ पर SI भी लिखेंगे, वजह क्या है बताएंगे। अब पद्धतियाँ क्यों बनी, क्या आवश्यकता है ये पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पद्धतियाँ माननीय हैं। भौतिक राशियों को किस रूप में सही प्रकार से व्याख्या की जाए माप तोल के अंतर्गत, तो ये 3 मुख्य पद्धतियाँ माननीय हैं। और कौन कौन सी हैं, एक तो होती है आपकी MKS, हिंदी बोलते हैं इसको मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। अब इसमें क्या है ये समझने वाली बात है, तीनों पद्धति में हम तीन भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियों की बात करेंगे, एक लंबाई की, एक दूसरे नंबर 2 पर द्रव्यमान की, और नंबर 3 पर बात करेंगे समय की। तो कितनी हो गई, 3 हो गए ना, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन 3 राशियों को मिलाकर के किस किस रूप में उनको मापा जाता है उनके आधार पर 3 पद्धति बनाकर तैयार कर दी गई हैं। मीटर, पहले पद्धति है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, शॉर्ट में बोल देते हैं MKS सिस्टम, ये पद्धति। इसमें क्या था बच्चों, इसमें जो है जो लंबाई होती है, लंबाई को नापते हैं हम मीटर में, लंबाई क्या नापती है मीटर में, और जब भी लंबाई बात करेंगे मीटर में मापी जाएगी। ये होता किलोग्राम। जब द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान जो नपेगा वो किलोग्राम में नपा जाएगा। अब नंबर 3 पर बात आती है समय की। अगर समय सेकंड नापा जाए तो समझ लीजिए ये मापन की पद्धति पूरी हो गई और नाम हो जाएगा MKS, अर्थात वह मापन की वह पद्धति या वह तरीका जिसमें लंबाई को नापा जाए मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाए किलोग्राम में, और समय को मापा जाए सेकंड में, तो वह पद्धति कहलाएगी MKS पद्धति, अर्थात मीटर, किलोग्राम, सेकंड। नाम से ही स्पष्ट है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो ये ध्यान रखना है, ये लंबाई है, ये द्रव्यमान है, ये समय है। बात ये आती है कि हमने इसके आगे SI लिखा है, SI भी लिखा है, पर ये SI का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए।
SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम भी यही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पद्धति मान्य है सबसे ज़्यादा वो MKS ही लागू होती है, इसीलिए इसको SI पद्धति कहते हैं। ये MKS पद्धति ये SI सिस्टम को देख करके जो अंतर्राष्ट्रीय स्थित है, इस SI को हमारे यहाँ MKS रूप में जाना जाता है। भारत में जो लागू है वो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति ही लागू है। ठीक है, चलिए नंबर दो बात करते हैं, कौन सी? CGS। और सी को बोलते हैं बच्चों सेंटीग्राम, ठीक, और G4 ग्राम। ये सेंटी बोलेंगे केवल क्योंकि हम द्रव्यमान में ग्राम लगाते हैं। फिर सेकंड, अब देखने वाली बात क्या है, भाई द्रव्यमान, सॉरी फिर लंबाई लेंगे, द्रव्यमान लेंगे, फिर समय लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो यहाँ पर लंबाई जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी, ठीक। जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम में मापा जाएगा, जो समय है वो समय मापा जाएगा सेकंड में। तो मापन की वह तरीका यह पद्धति जिसमें लंबाई को मापा जाए सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापा जाए ग्राम में, और समय को मापा जाए सेकंड में, तो वह पद्धति CGS पद्धति कहलाएगी। नंबर तीन की बात करते हैं, FPS। F को बोलते हैं बच्चों फुट, P को बोलते हैं पाउंड, और ऐसे आप जानते ही हैं सेकंड। समझने वाली बात ये है कि भाई हमें तीनों चीज़ तो एक जैसी हैं, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, तो हमें लंबाई द्रव्यमान समय को देखकर ही बात करनी है। लंबाई यहाँ नापी जाएगी फुट में, द्रव्यमान न मापा जाए पाउंड में। अब पाउंड आपके लिए कोई नया वर्ड क्योंकि आपने बहुत कम सुना है, फुट सुना होगा, पाउंड बहुत कम सुना होगा। आपने कभी सोचा जाड़े का समय आता है, मम्मी कहती है 2 पाउंड ऊन ले आना, मैं लड़के का या आपका स्वेटर बनूंगी, बस भाई। तो पाउंड द्रव्यमान नापने की एक युक्ति है, एक साधन है। आइए सेकंड, समय सेकंड में आएगा यहां पर, तो देखिए CGS सॉरी MKS CGS FPS ये आपके तीनों पद्धति शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दी। पर यह रखना है लंबाई द्रव्यमान समय किस किस रूप में मापे जा रहे हैं, जिस रूप में मापे जा रहे हैं भाई पद्धति बन जाएगी। तीनों पद्धति में क्या बात कॉमन है ये बात भी ध्यान रखनी ही चाहिए। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। आपने कुछ सोचा? जरा देखिए जरा ध्यान से, सेकंड, सेकंड और ये सेकंड। मतलब पद्धति कोई सी भी हो, समय का जो मात्रक मूल मात्रा लिया गया है वह सेकंड ही लिया गया है। तीनों पद्धति में क्या कॉमन है? समय का मात्रक एक जैसा है, सेकंड। ये हमेशा याद रखना चाहिए। अब इनके हमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में जरूरत पड़ती है,
अगर ये अब आप नाइन्थ में नहीं सीखेंगे तो अगली क्लास में आकर जाकर के आपको बहुत इसमें दिक्कत पड़ने वाली थी, इसलिए आपको ये पता अभी हो जाना चाहिए। चलिए अब अगली बात करते हैं, हम कहें कि दूरी की। और देखिए दूरी नाम से स्पष्ट है, सोचोगे दिमाग में आएगा कि दूरी, अगर हम चलते हैं तो हम चलने से जो रास्ता तय होता है वो दूरी होती है। परिभाषा बिल्कुल इसकी जैसी है, किंतु थोड़ा समझकर लिखना जरूरी है, क्योंकि इस गति के चैप्टर में आपको मैं चार वर्ड बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले हैं। पहला क्या, किसी गतिशील वस्तु, क्योंकि गति का चैप्टर है तो ये वर्ड एक दो तीन चार, या गति सात साले गति एक दो तीन, ठीक, में और ये के, ये दो वर्ड ज्यादा आएंगे। तो ये चार वर्ड आपको हमेशा याद रखने हैं, किसी गतिशील वस्तु के या किसी गतिशील वस्तु में, ये वर्ड बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाले हैं, ये अभी से याद कर लीजिए। परिभाषाओं में अधिकांश ये वर्ड यूज होने वाले हैं। चलिए अब बात आती है दूरी। अब दूरी पढ़ा रहे हैं, इन वर्ड का मतलब कहाँ से जरूरी है, गति के पाठ में हमें इन वर्ड का उपयोग ज़्यादा है। देखिए किसी गतिशील वस्तु, बात करेंगे अर्थात गति हो रही वस्तु में, वस्तु स्थान बदल रही है, इसीलिए हम गति को समावेश करते जा रहे हैं। तो दूरी को परिभाषित करने के लिए, विस्थापन को परिभाषित करने के लिए, इनको परिभाषित करने के लिए इन वर्ड का प्रयोग बहुत आया था, बहुत ज़्यादा होता है। चलिए दूरी पढ़ते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक। किसी गतिशील वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। अब मैंने क्या कहा, यहाँ में भी हो सकता है, के भी हो सकता है, द्वारा भी हो सकता है, तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर दूरी की बात करता हूँ। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। अब समझिए भाई, ये कोई पथ है, मान लिया हम यहाँ ए से स्टार्ट हुए, बी तक पहुँचे, तो यहाँ से यहाँ तक हमने कितना रास्ता तय किया, अर्थात पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसे प्रायः हम जो है सामान्यता एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। हम अंग्रेजी के अक्सर एस से प्रदर्शित करते हैं। अब वास्तव में मैंने आपको सदिश पढ़ाया, अदिश पढ़ाया, उनको पढ़ाने का एक वजह थी। भौतिक विज्ञान में जब किसी राशि की परिभाषा देते हैं तो उसको एक अच्छी परिभाषा के अंतर्गत वो सदिश है या अदिश है ये बताना चाहिए, उसका मात्रक क्या है बताना चाहिए, यदि सूत्र संभव है तो सूत्र भी लिखना चाहिए, तब परिभाषा पूर्ण मानी जाती है। छोटी क्लास में केवल परिभाषा लिख करके हम छूट जाते थे, ज्यों ज्यों हम बड़ी क्लास में पढ़ते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और यही हमारी बातें हमें टॉप क्लास में एंटर कराते हैं। सामान्य बच्चे से उच्च कोटि का बच्चा वही होता है जो परिभाषा भी दे, उसका संकेत भी दे, सूत्र भी बताए, राशि कैसी है, सदिश है या अदिश है ये समझाए,
और यदि कोई विशेष बात है उसकी तो नोट करके उसको अंकित करे, वह बच्चा वास्तव में टॉप क्लास का बच्चा होता है। तो आपको भी राशियों को ध्यान से पढ़ करके उनको वर्णन करना आना चाहिए। और यदि कोई परिभाषा मांगी गई है तो परिभाषा तब कंप्लीट होगी जब उसको परिभाषा देने के बाद उसका संकेत, सूत्र, मात्रक और राशि लिख करके देंगे, तब वास्तव में एक कंप्लीट परिभाषा होती है। ठीक है, ये याद रखना आपको। चलिए तो दूरी ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये राशि कैसी है ये आप नोट कर लीजिए। राशि अदिश है, क्योंकि दूरी को नापने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण क्या है, पिछली वीडियो में बताया था आपको, किस पैमाने से नाप रहे हैं, कितनी बार वो आ गया है। ठीक, उसके संख्या तो मान को इसको परिमाण कह देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो कपड़ा शर्ट के लिए चुना है या टेलर ने मुझसे बताया है तो कपड़ा नापा जा रहा मीटर में, ये मात्रक हो गया उसका। किंतु कितना कहा मैंने, 2 मीटर कहा, मतलब मात्रक जो है मीटर के रूप में, किंतु संख्यात्मक मान 2 बार, वो पैमाना 2 बार नापा जाएगा, कपड़े को 2 बार पैमाना लगेगा। ठीक, मैं कह दूं कि मैं 4 कदम चल रहा हूं या 2 कदम चल रहा हूं, 1-2 कदम मिल रहा है, तो ये जो दूरी तय करी वो 2 कदम है, किंतु परिमाण क्या है, 2 बार मैंने कदम बढ़ाए। ऐसे कपड़ा नापते समय मीटर पैमाना कितनी बार लिया गया वह उसका संख्यात्मक मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए राशि दिश हो गई, इसमें इसका सूत्र कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से ये आपकी परिभाषा पूरी हो गई। चलिए दूरी के बाद हम बात करते हैं विस्थापन की। ये विस्थापन क्या है भाई, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, अंग्रेजी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन को समझने के लिए पहले दूरी के टॉपिक को लेकर चलते हैं। चलिए मान लीजिए ये मेरा घर है भाई, ये हमारा KBB MIC है, कृष्णा वाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा। अब हम अपने घर से चलते हैं, न जाने कितने मोड़ आए होंगे, कितने चौराहे आए होंगे, रास्ता सीधा तो होगा नहीं, तो हमने मान लिया अपने रास्ते को तय करते हुए हम अपने घर से कृष्णा बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा पहुंच गए। अब ये देखना है विस्थापन में कि हम कहां से कहां पहुंचते हैं और उसकी दिशा क्या है। क्या कहा मैंने, कहां से कहां पहुंचते हैं, किस निश्चित दिशा में हैं और अंतिम प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। अब हम तो परिभाषित करते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ के अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। यह परिभाषा आपको याद करनी है, PDF में लिखा दी गई है। अब विस्थापन क्या है ये देखना पड़ेगा आपको। भाई मैं यहाँ से चला सीधा ही आया तो ये मेरा न्यूनतम बिंदु है, न्यूनतम दूरी है, और यदि मैं कहता किस पथ पर घूम घाम के आया बोझ जोड़ता तो विस्थापन नहीं होता, दूरी हो जाती, क्योंकि मैं यहाँ भी चला, मान लिया बी पॉइंट ये हो गया, सी पॉइंट ये हो गया, डी ये हो गया, ई ये हो गया, एफ ये, ई एफ और जी ये और एच आ गया होम, हमारा कृष्णा बाल मंदिर, कृष्णा बाल विद्या मंदिर पहुंच गए हम। अब अगर मैं दूरी की बात करता तो
इन खंडों की लंबाई को जोड़ करके बताता कि इतना मैं चला, किंतु विस्थापन में इन खंडों की चली गई दूरी से कोई मतलब नहीं होता। कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, किस दिशा में गए थे, ये बात होती है। और दोनों बिंदुओं के अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी की बात की जाती है, तब वह विस्थापन होता है। ठीक, चलिए अब इसी में मैं आपको एक मुख्य बात बताता हूँ कि भाई इसका मात्रक क्या होगा। फिर विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता, क्योंकि ये अंतिम और प्रारंभिक बीच का जो गैप है, न्यूनतम दूरी है, वो दूरी तो नापेंगे, और दूरी कैसे नापेंगे, मीटर में नापेंगे, सिंपल सी बात है। चूंकि इसमें दिशा आ गई है, निश्चित दिशा, निश्चित दिशा, ये सदिश राशि है। दो बात हुई, मैंने क्या कहा था, राशि को परिभाषित करने के लिए परिभाषा चाहिए, संकेत चाहिए, और मात्रक चाहिए, और संभव हो तो सूत्र भी देना चाहिए। विस्थापन को शो करते हैं प्राय है। किस तरह से, कई काम डेल्टा एक्स से भी शो करते हैं, डेल्टा एस से भी शो कर देते हैं। क्यों करते हैं बताता हूं भाई। बिंदुओं के बीच की दूरी का अंतर दिखाते हैं, अंतिम और प्रारंभिक, तो एक्स टू और एक्स वन दिखा दिया, एक्स टू अंतिम हो गया, एक्स वन प्रारंभ हो गया। हम डेल्टा एस लिखते हैं तो एस टू माइनस एस वन लास्ट बिंदु तक दूरी और प्रारंभ बिंदु तक दूरी। अब ये आप कहेंगे सर जी हम चल तो सीधे रहे, ये एक्स टू एक्स वन एस टू एस वन क्यों घटा रहे हैं, ये भी बात कायदे की रहेगी। बच्चे हर बार प्रश्न पूछते हैं इस टॉपिक का, सर जी ये क्यों लिखा। सुनिए जरा ध्यान से भाई, मान लीजिए हम एक पथ पर चले और मान लिया वह पथ सीधा नहीं है और हम यहां पर आ गए ए बी। ठीक, अब हम न्यूनतम दूरी तो ये लगाएंगे, तो विस्थापन चाहिए हमें, निश्चित दिशा होगी इसकी। और यदि हम ऐसे चल करके जाते ए से बी, फिर वापिस इसी पथ पर आते सी, तो तब तो दिक्कत पड़ गई भाई। आप न्यूनतम दूरी यही आप नापेंगे, पहला एरिया ए से बी तक गए, बी से लौट कर सी पर आए। मान लीजिए पहले आपने 20 मीटर की दूरी तय करी ए से बी तक जाने में, बी से सी तक आने में आपने 5 मीटर की दूरी तय करी। अब आप जरा दिमाग लगाइए कि आप किस प्रकार से डेल्टा एक्स अर्थात विस्थापन को शो करेंगे या डेल्टा एस को, तो सीधा सटीक जवाब होगा, अरे भाई जब हम पहले गए कहाँ गए, पहले हम गए डेल्टा एक्स के लिए ए बी गए, वापस कहाँ है बी सी आए, तो अंतर कितना आ गया ए बी और बी सी का, ए सी रह गया। या फिर आप ऐसे कहते हैं मुझसे कि सर जी ऐसे कर लीजिए डेल्टा एक्स अर्थात ए सी, पहले आप गए 20, वापस आए 5, अरे जाहिर सी बात है 15 रह गया। परंतु परिभाषित करने के लिए हमें ये x2 x1 तो लिखना ही था, इसीलिए हम इसको अंतर के रूप में दिखाते हैं और अंतर को लिखते हैं डेल्टा से, ये साइन डेल्टा का है। और फिजिक्स में इसका मतलब होता अंतर। अब एक बात और समझनी है, दूरी विस्थापन अंतर क्या होगा फिर, भाई दूरी को मीटर से नाप रहे हैं, विस्थापन को मीटर से नाप रहे हैं, फिर इन्हें अंतर क्या आएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, मैं बताता हूं आपको। मैं देखिए इन परिभाषाओं से ही बिल्कुल अंतर स्पष्ट हो जाएगा भाई। पहली बात करते हैं दूरी की और इधर बात करते हैं हम विस्थापन की। शॉर्ट टर्म में बताता हूं और
ब्रॉड स्तर पर आपके पीडीएफ में मैंने भेज चुका हूँ इसको। यहाँ पर क्रम संख्या आ जाएगी आपकी, जो आप क्रम डालेंगे। नंबर वन की बात करते हैं हम, दूरी। दूरी का मतलब हमेशा पथ की लंबाई से होता है, वस्तु जिस पथ पर चल रही है उसकी लेंथ से मतलब होता है। जबकि विस्थापन का मतलब कभी पथ की लंबाई से होता ही नहीं, वह केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी से आंकी जाती है। अर्थात हम ये कहेंगे कि क्या यह पथ पर निर्भर करती है, ठीक, और दूसरी बात इसका पथ से कोई मतलब नहीं होता, अर्थात यह पथ पर निर्भर नहीं करती। एक अंतरंग परिभाषा भी था, परिभाषा आपको याद होती है, इसलिए मैंने अंतर परिभाषा का नहीं समझाया। भाई चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और किसी गतिशील वस्तु द्वारा चले गए पथ के अंतिम और प्रारंभ बिंदुओं के निश्चित दिशा में न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। परिभाषा तो आपने पढ़ ली पहले, वो तो आप अंतर लिख सकते हैं, किंतु और क्या अंतर हो सकते हैं वो जरूरी था, इसलिए मैंने आपको परिभाषा के बाद के ही बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, दूरी सदिश राशि होती है, सॉरी अदिश राशि है, स्केलर जिसे बोलते हैं, यह है एक अदिश राशि है। और जो विस्थापन है वह सदिश राशि है, क्योंकि इसमें निश्चित दिशा होती है, नापने के लिए हमें दिशा चाहिए होती है और परिमाण भी चाहिए होता है। जो राशियों को नापने के लिए हमें केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, वह अदिश होती हैं, जैसे द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है आदि। किंतु जिन राशियों को नापने के लिए हमें दिशा भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए, वे सदिश होती हैं। तो विस्थापन हमारे पास एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होती है, दिशा परिमाण दोनों होते हैं, अर्थात ये सदिश है। यह एक सदिश राशि है। अगली बात करते हैं, मैंने परिभाषा में बताया था और एग्जाम्पल स्केच कर बताया था, दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ऋणात्मक कभी नहीं होगी, जीरो कभी नहीं होगी, यह केवल हमेशा धनात्मक ही होगी। तो क्या सीखे आप, दूरी केवल धनात्मक ही होती है, यह कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन में तीनों कैटेगरी मिक्स हैं, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है समझिए, भाई मेरे पास एक वृत्ताकार पथ है, मैंने एक या खुद अपना मान लीजिए मैं धावक हूँ, मैं इस पर दौड़ रहा हूँ, लौट करके मैं यहीं पर आ गया। अब विस्थापन क्या होता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थानों का अंतर। ए से चला, ए पर लौट कर आ गया, ये दूरी मान लीजिए मैंने ये चल करके 100 मीटर दूरी तय करी और घूम फिर के मैं अपने स्थान पर आ गया, ठीक, तो क्या होगा, ये जहां चले वहीं स्थान पर आ गए, अंतर कुछ नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, शून्य। यहां पर अंतर जहां थे वहीं से आ जाए तो शून्य। वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूमती है, विकल्प कई बार आ गया इसका, मैं हर बार विकल्प रखता भी हूं विस्थापन समित का, कि वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूम रही हो और अपनी मूल स्थिति में पुनः लौट कर आ जाए तो विस्थापन शून्य होता है। चलिए अगली बात, अगर ये हम ए से बी जाते, बी से सी आते, ये 20 मीटर दूरी थी, ये 5 मीटर दूरी थी, तो देखिए आप
20 में से 5 गए, 15 आया, ये आंसर पॉजिटिव है, तो विस्थापन शून्य भी हो गया और यहाँ धनात्मक हो गया। अब मामला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लिया हम ए से बी गए, 20 मीटर चले थे हम, किंतु वापसी में जब हम आए तो क्या हमने बी से ए क्रॉस करते हुए सी तक आ गए, पीछे उसी। मान लीजिए ये 25 मीटर हम चले पीछे को, अब दिमाग लगाइए। पहली स्थिति थी हमारे पास ए बी, दूसरी स्थिति हमारी क्या बी सी। ए बी में हम चले कितना 20, बी सी में चले 25, क्या अंतर आ गया भैया, माइनस के 5, बैकवर्ड हो गई गति, बैकवर्ड हो गई, तो ये ऋणात्मक भी होता है विस्थापन। अब तीन स्थिति में आ गया, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। अगर मैं यहीं से जाकर 20 जाता, 20 लौटाता तो भी शून्य हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो क्या होगा आपका आंसर इसमें, विस्थापन शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। चलिए अब ये मुख्य तीन बिंदु आपको याद रखने हैं, ठीक। चौथा हो गया आपका कहेगा परिभाषा वाला। अब अगली बात करते हैं हम चाल की, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब बात है चाल की। देखो बच्चों, जब कोई गतिशील वस्तु एकांक समय, एकांक मतलब इकाई समय, जैसे एक सेकंड, एकांक समय में जो दूरी तय करती है वह उसकी चाल कहलाती है। मतलब यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगी, समझ लीजिए वही क्या है, आपकी स्पीड है। देखिए चाल को परिभाषित करते हैं, मैं कहता इस चैप्टर में किसी गतिशील वस्तु में के ये द्वारा, ये वर्ड तो यूज होने ही होने हैं, आपको याद करने हैं ये वर्ड तो परिभाषा में, क्योंकि गति वाला टॉपिक है, ये यूज ही होने हैं अधिकांश। तो देखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय, एकांक समय जानते हो, इकाई समय। अब इकाई समय मतलब क्या, अगर सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड बाद, घंटे बाद चल रही है तो घंटे में, चूंकि हमारे पद्धति जो हैं समय की, चाहे CGS है, FPS है या हमारे पास MKS है, मैंने समझाया था कि तीनों पद्धति में समय का मात्रक सेकंड ही है, इकाई सेकंड लिया गया है, इसीलिए आपको एकांक सेकंड बोलना ही पड़ेगा, बात समझ आई। तो देखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय दूरी को उसकी चाल कहते हैं, देखिए बच्चों, चाल को प्राय हम क्या करते हैं, इसे प्राय है अंग्रेजी के स्मॉल लेटर बी से प्रदर्शित करते हैं, यह अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि मापन पद्धति के अंतर्गत इसे केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, अब मैंने कहा था सूत्र परिभाषा वही होगी, संकेत भी हो सूत्र भी हो, तो सूत्र देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। अब दूरी को और चाल को और समय को किस संकेत में लिखते हैं, वो गणितीय संकेतन हो जाता है, अर्थात शॉर्टकट फॉर्मूला।
तो देखिए बी दूरी को हम एस से भी शो करते हैं, एक्स से भी शो करते हैं, ये आपका मन है आप किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मैं यहां पर एस से शो करूंगा और समय को टी से, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्मूला हो गया, गणितीय फॉर्मूला हो गया। और मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकंड। अब मात्रक बात कहें तो फिर वही दिमाग में आएगी प्रति वाली बात कि उसमें मीटर भी था, सेंटीमीटर भी था और फुट भी था, क्या मिले। हमारे यहाँ पर एमकेएस चलती है, पूरे वर्ल्ड में एसआई चलती है जो कि एसआई ही एमकेएस ही है, इसीलिए आपको सामान्यतः जब तक ना कहा जाए तब तक एमकेएस पद्धति में ही मात्रकों का वर्णन करना है। तो मात्रक क्या है एमकेएस पद्धति में, पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और देखिए ये हिंदी में लिख रहा हूं मीटर प्रति सेकंड, अगर अंग्रेजी में लिखना पड़े तो मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसको ओवर मॉडिफाइड रूप में लिखें तो ये पावर ऊपर पहुंच जाती है, जैसे एक बटे ए लिख रहा है तो ए इनवर्स लिख देते हैं, प्रतिलोम पद्धति पढ़ी ना मैथमेटिक्स में, इसीलिए यहां पर हम इसको एम एस की पावर माइनस वन भी लिख देते हैं, होता है तीनों एक ही हैं, ये भी यही कह रहा है ये भी यही कह रहा है, लिखने का तरीका अलग है, सिंबॉलिक सिस्टम अलग है बस। चलिए अब बात आती है राशि की, क्या कहा मैंने आपको राशि कैसी आई है, अदिश मानने के रूप में स्पष्ट रूप में अब परिभाषा ये पक्की हुई है, परिभाषा संकेत सूत्र मात्रक और राशि ये एंटर होना चाहिए परिभाषा में संभव है तो। चलिए अब बात करते हैं चाल के बाद वेग, चाल के प्रकार समान चाल असमान चाल, ठीक ये इन सब बातों में मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक और पीडीएफ में भी भेज दी मैंने। चलिए चाल के प्रकार यहाँ आपको नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, केवल हम बात करेंगे कहें कि वेग की बात करेंगे, वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है भाई, अभी हमने पढ़ा चाल, तो चाल में आपने एक बात नोट करी थी कि दूरी बटे समय लिखा था मैंने, बस यही ध्यान रखना है विस्थापन को यदि हम समय से भाग कर दें तो वह वेग बन जाता है। अब परिभाषा क्या बनेगी इसकी, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, यहां दूरी थी ना तय दूरी की जगह लिख दो तय विस्थापन, को उस वस्तु का वेग कहते हैं, इसे भी प्रायः v से ही प्रदर्शित करते हैं, वेग को भी v से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र आपका मैं लिख देता हूं वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग को v से शो करते हैं प्रायः, विस्थापन को डेल्टा एक्स हो सकता है डेल्टा एस भी हो सकता है, बताया मैंने आपको, मैं यहां पर डेल्टा एस लिख देता हूं बटे टी। अब डेल्टा एस क्या है, एस टू माइनस एस वन दूरियों का अंतर अर्थात विस्थापन, ठीक है। चलिए अब सूत्र भी हो गया, प्रदर्शन बी से होता है, प्रदर्शित करते हैं बी से, सूत्र हो गया ये, संकेत रूप हो गया ये, और मात्रक, जो मात्रक आपका चाल का था वही इसका, क्यों भाई दूरी भी हमने मीटर में नापी
तो दूरी मीटर नपती है, विस्थापन भी मीटर में नपता है, समय सेकंड में, समय भी सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड, एम के बदलते में मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसके बाद राशि क्या है, राशि है सदिश। अब पढ़ते हैं त्वरण, अंतिम टॉपिक आपका, ठीक है। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, आपकी गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है ना, जैसे गाड़ी बहुत तेज भागती है, उसी संबंध आप यहाँ का चल रहा है इस समय। तो त्वरण क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को ही, वेग परिवर्तन की दर को ही वस्तु का त्वरण कहते हैं। अब त्वरण के लिए आपको बात करेंगे, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, सामान्यतः ए से। अब इसका सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल। अब त्वरण को लिखते हैं ए से, वेग परिवर्तन जानते हो, वेग कितना बदल गया, प्रारंभिक वेग वस्तु का यू होता है, अंतिम वेग बी होता है, पीछे पढ़ा चुका हूं कसाट में। अब वेग परिवर्तन में क्या कहेंगे, अंतिम वेग लिखेंगे यहां पर माइनस प्रारंभिक वेग लिखेंगे बटे समय लिखेंगे, अंतिम वेग होता बी और प्रारंभिक वेग होता है यू, समय होता टी। आपका ये सिंबॉलिक फॉर्मूला हो गया, ठीक। यहां पर आप चाहें तो इसको डेल्टा बी बटे टी भी लिख सकते हैं, जहां डेल्टा बी आएगा तो वहां प्रारंभिक और अंतिम वेगों का अंतर होगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक कई बार विकल्प के रूप में मालूम कर लिया गया है, एक नंबर का क्वेश्चन हर बार फंसता है, ये ध्यान रखना आप। शॉर्ट टर्म लिख देंगे इसको मीटर पर सेकंड, इस तरह से, या दूसरा तरीका क्या है इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राशि आप जानते हैं ये होती है सदिश। चलिए अब मैं और जो टॉपिक हैं कुछ बचे हुए वो पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दूंगा, बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल पार्ट और रह गया है, वो अगली वीडियो में आकर जुड़ेगा और आपका पार्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को ध्यान देखिए, शेयर कीजिए, अधिकांश इसको समझिए ताकि आगे तक आपको काम आए। थैंक यू।